أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आज मैं एक न्यू पास्ता की तरकीब बता रही हूँ, रेसिपी बता रही हूँ, न्यू स्टाइल पास्ता। इसके लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है तो वो आप देखिए, ये तमाम चीज़ें हैं। तो ये आप देखिए, ये जो चिकन है ये मैंने 100 ग्राम ली है, और इसके अलावा ये गाजर जो है वो 1-2 गाजर ली है, और ये टमाटर जो है ये 3-4 टमाटर लिए हैं, ये आप देखिए, और इसके अलावा 3 शिमला मिर्च ली है, इसको इस तरह से जूलियन काट दिया है। ये प्याज ली है मैंने, तकरीबन 2 प्याज हैं, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 प्याज हैं। इसके अलावा मुझे जो ज़रूरत होगी, काली मिर्च पिसी हुई होगी, जो बिल्कुल इस तरह से हम प्योर काली मिर्च इस तरह से करते हैं, क्रश करते थे तो उसमें डालते हैं। और ये पास्ता है जो मैं अभी आपको बताऊंगी, ये अभी आपको डाल के बताऊंगी कि किस तरह से। आपको तो पता ही है कि जो बॉईल करके हम पानी करते हैं फिर उसमें ये पास्ता डाल देते हैं। और इसके अलावा ये जो है ये चेडर चीज़ है, और ये मोज़रेला है, ये दोनों चीज़ मैंने की, दोनों चीज़ें एंड में डालूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि रोज़े रमज़ान है, तो उसमें इस तरह की चीज़ें ज़रा अच्छी लगती हैं अफ्तार के टाइम ना, तो इसलिए ये बनाई है, आज हमने ये बनाया है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये मेरे चैनल को देखते होंगे, मेरे चैनल मुनव्वर सुल्ताना किचन एंड व्लॉग के नाम से है, और ये आप लोग अक्सर मुझे जो है फीडबैक भी देते हैं। आप ज़रूर देखिएगा, तो आप फीडबैक ज़रूर दिएगा। और आप ये देखिए, पास्ता के लिए पानी रखा हुआ है, अब इसमें पास डलेगा और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। वेलकम बैक टू मुनव्वर सुल्ताना किचन। ये दुआ कीजिए मेरे लिए भी, अपने लिए भी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको भी सेहत और तंदुरुस्तियाँ दे, हमें भी दे, और आपके जो खानों में बरकत दे। जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं, इतनी मेहनतें करते हैं, और हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, तो हमारा हक बनता है कि आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा ये चिल्ली फ्लैक्स के अलावा हमने इसको चिल्ली सॉस भी डाला है साथ में, यानी कि मुख्तलिफ चीज़ हमने इसमें डाली है। इसको हल्का सा सौते करेंगे, उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि क्या करना है। इसके बाद जो पास्ता है ना, फिर आप वो डालना है। ये बड़ा ज़बरदस्त बनता है ये सारी चीज़ें। ये देखिए पास्ता डल रहा है, ये जल्दी तैयार होने वाली डिश है। आप लोग रमज़ानों में ये आराम से कर सकते हैं, जैसा भी आप लोग चाहें ये करें आराम से। और ये जो हमने सब्ज़ी जो भी डाली थी ना, गाजर और ये, इसको बहुत हल्का सा हमने लिया था। आखिर में हम लोग जो है इसके अंदर जो है मैं डालूँगी ये जो है आपका चेडर चीज़ और मोज़रेला, ये डालूंगी, तो उससे इसका टेस्ट जो है वो दोबारा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस तरह से ज़रूर बनाएंगी, मुझे फीडबैक भी देंगे। और आखिर में मैं दिखाती हूँ आपको, डिश आउट करके फिर दिखाती हूँ। ये इस तरह से हल्का हल्का हम चढ़ाते रहेंगे। और हमने आप देखिए जो सब्ज़ी जो भी काटी थी उसको, मतलब शिमला मिर्च वगैरह को ज़्यादा नहीं किया है, इसलिए कि ज़्यादा फिर नरम पड़ जाती है तो अच्छा नहीं होती है। आखिर में अभी मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ।